तब खत्म हो गया। तो घर में जाने के लिए भी डर लग रहा है, पता नहीं कब क्या हो जाएगा। 5 मर्डर एक साथ और घर में हर चीज अपनी अपनी जगह पर है, लूट के कोई साइन भी नहीं मिला है। तो ये आपसी रंजिश का मामला तो नहीं है? और ऊपर से ये बात पूरे शहर में आग की तरह फैल गई है, जिसकी वजह से मीडिया वालों ने दिमाग खराब कर रखा है। और सर वहां पे एक लड़का है जिसकी सांसें अभी भी चल रही। ठीक है, वो रिपोर्ट मेरे केबिन में भिजवाओगी। सर सर शुभम की ब्लड रिपोर्ट आ गई है, उसके ब्लड में ड्रग के ट्रेसेस मिले हैं सर। क्या? कहीं हत्याकांड में किसी ड्रग्स रैकेट का हाथ तो नहीं है? हो सकता है सर। सर सुभाष के सारे दोस्तों से मेरी बात हो गई है सर, उसका एक दोस्त है रितेश जो अंडरग्राउंड है सर, खबरी बता रहे थे कि वो ड्रग्स की डील करता है। उठा लो इसे। ओके सर। हमारे इलाके में तो ड्रग्स बेचेगा तू? मैंने कुछ नहीं किया सर, मैंने कुछ नहीं किया। ये तो हम बताएंगे तुमने क्या किया है? नहीं, इतना डोज काफी है या फिर और दूं? पहले बता कहाँ अंडरग्राउंड हो गया था सर? मैं अंडरग्राउंड नहीं हुआ था, वो लोगों ने जो सुबह के घर पे किया ना, मैं उससे डर गया था सर, इसलिए भाग गया था बस। उसी के बारे में बात करनी थी सर। तेरे को पता है तुम दोनों की एक गलती की वजह से कितने लोगों की जाने गई हैं? हैं? शुभम उधर अपनी जिंदगी से लड़ रहा है, तेरा क्या होगा? और क्या करूं? अरे आज बर्थडे है आपका, ये लो चॉकलेट। जिन्होंने पैदा किया उन्होंने तो कुछ किया नहीं, इतने दिन से एक फोन मांग रहा हूं अभी तक नहीं मिला। हमेशा कुछ ना कुछ मांगता रहता है, पहले कुछ ऐसा तो कर लो जिससे पिताजी खुश हो जाए। भैया आपने ऐसा कौन सा काम किया है कि आपको सब कुछ मिलता रहता है? तुम दोनों झगड़ा शुरू मत करो अभी। गुस्सा तो उसके नाक पे रहता है माँ। तुम भी कोई मौका नहीं छोड़ते उसको सताने का। हाँ मेरा वो छोटा भाई है, उसे समझाना मेरा फर्ज है। समझाने और ताना माने में बहुत फर्क होता है। वाइल की जिद उसकी अब तक गई नहीं। बच्चा है, के साथियों के पास एक से बढ़कर एक फोन है। आप भी चाहते हैं कि फोन उसके पास आ जाए? तुम्हें कितनी सारी चीजें मेरे कहने से मिली हैं? माँ मुझे नौकरी की तलाश में यहाँ वहाँ भटकना पड़ता है और कई सारे लोगों से बात भी करनी होती है। पिताजी ने फोन मुझे तभी दिलाया है। ये मत भूल कि मेरे कहने पे तुम्हें मोबाइल मिला है। अरे माँ को भी कोई भूल सकता है क्या? बस बस अभी मस्का मत दे, जो काम शुभम करने वाला था अब तू करेगा। विजय जरा चम्मच पास। जी जी पापा। विजय सुनते हैं वो एक बात थी। कैसी बात? क्या है ना कि अब लल्ला बड़ा हो गया है तो उसको भी मोबाइल की जरूरत पड़ेगी, तो मैं चाहती थी कि उसको। अरे प्रभा तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है ना? स्टूडेंट्स के हाथ में ना मोबाइल टाइम वेस्टिंग मशीन है और कुछ नहीं है। और वैसे भी पढ़ाई लिखाई से तुम्हारा युवराज बहुत दूर है, मोबाइल हाथ में गया ना किताब भी नहीं खुलने वाला इससे। बहुत बड़े हो गए हो, क्या करोगे मोबाइल का? 100 बीमारी का जड़ है ये मोबाइल फोन। अभी हाल फिलहाल में देखो सुमित्रा के बेटे का क्या हाल हुआ, रोड क्रॉस करते हुए मोबाइल में घुसा पड़ा था, हो गया एक्सीडेंट, कोई पूछने तक नहीं आ रहा है उसको।
बंदर के हाथ में झुंझुना दोगे तो क्या होगा? अरे लल्ला खाना खा लो। अरे आप कहाँ जा रहे हैं? आप बैठ जाओ। रियली पापा बहुत बदतमीज हो गया है। अरे कल तो तू बड़ी फेंक रहा था कि तेरा नया मोबाइल आने वाला है। उससे देखे हम सबकी सुलगने वाली थी। कहाँ है तेरा नया फोन? और चड्डी में छुपा के रखा है शायद। वो अभी फोन नया है ना, इसलिए घर पे छोड़ के आया हूँ। जब लाऊंगा ना तो देखते रह जाओगे, फिर हंसी नहीं आएगी बल्कि सुलग जाएगी। ए, सुलगे हुए? अरे सुन तो ले। अरे सुनता जा, तेरा मोबाइल का मॉडल नंबर तो बता के जा। डिफॉल्टर है साला, झूठ बोलता है। चल रे, चल मैं फिर से क्रिएट कर रहा हूं, ज्वाइन करना जल्दी। हां चल चल, देख आया आया आया। हां आगे आगे। कहां है तेरा नया फोन? चड्डी में छुपा के रखा है शायद। देख के ही पेट भर लेगा क्या? खाएगा नहीं? कोई कदर नहीं है मेरी इस घर में। सबके अरमान पूरे हो जाते हैं, बस मेरे वक्त ही सुई आके अटक जाती है। अरे क्या हुआ मम्मा? ये आज भी नाराज है क्या? खाना भी नहीं खाया उसने। माँ गुस्सा उतर गया तेरा? माँ मेरे सारे दोस्तों के पास मोबाइल है। फिर वही बात, मोबाइल ना हुआ कोई अल्लाह दिन का जिन हो गया। अल्लाह दिन का जिन से कम नहीं है मोबाइल। मोबाइल से आदमी एक सेकंड में सारी दुनिया अपने मुट्ठी में कर लेता है। अल्लाह दिन के जिन का भी बाप है ये मोबाइल। और तेरा बाप भी तो तेरा बाप है ना, मुझे सुनना पड़ता है। माँ तुमने अच्छी तरह समझाया नहीं होगा पापा को। अरे मोबाइल में क्या चीज नहीं है, एक बटन दबाया और चीज घर में हाजिर। तुम्हें बाजार जाने की भी जरूरत नहीं है। ये सब ज्ञान तू मुझे ना दे, विजय ने सब समझाया मुझे। वो तुमने पापा पर जोर देकर भैया को तो फोन दिलवाया था ना। अरे उसको तो जरूरत थी। इसका मतलब तू मुझसे प्यार ही नहीं करती। अरे क्या बातें चल रही थी माँ बेटे के बीच में, मेरे आते ही सब खत्म हो गई। वही मोबाइल की जिद। आप उसको एक मोबाइल दिला क्यों नहीं देते? पगला गई हो क्या? हाँ उसके कोई भी छोटे बड़े जिद पूरा करना जरूरी होता है क्या? यही गलत मुझे नहीं पता, लेकिन अपने बच्चों की खुशी के लिए इतना तो करना ही चाहिए ना। तुम क्या चाहती हो, उसके सब छोटे बड़े जिद को हम पूरा करते रहे, उसके भविष्य के बारे में कुछ ना सोचे? वो सब मैं नहीं जानती, मुझे बस इतना पता है कि मेरे बेटे ने सवेरे से नाश्ता नहीं। रोना बंद करो, रोना बंद करो। कल मैं उसको एक मोबाइल खरीद के देता हूँ, अब तो खुश हो? शुभम उठ जा, कॉलेज नहीं जाना है। कहाँ ना, जब तक फोन नहीं आता ना कॉलेज जाऊंगा ना खाना खाऊंगा। ठीक है तो ये मैं वापस ले जाती हूँ। मोबाइल, आई लव यू माँ। मुझे पता था सिर्फ तुम ही मुझसे प्यार करती हो, बाकी किसी को मेरी फिक्र नहीं। थैंक यू सो मच। अरे न्यू फोन भाई, दिखाना यार मुझे भी भाई। मुझे भी तो एक बार तो दे। अरे एक बार क्या कर रहे, इसको क्यों गिरा दिया? खाली चोट लगी? उठ जा। अरे रो मत, भैया है ना तेरे, चलता है। शुभम अभी कॉलेज जाना है, पहले कुछ खा ले। अरे तैयार हो जा, कॉलेज जाना है तुम्हें। शुभम अरे वाह शुभम, तेरा नया फोन तो जलवा है यार, हमें भी थोड़ा खेलने दे तेरे फोन से यार। बेटे महंगा फोन है, गरीबों ने हाथ लगाया तो गंदा हो जाएगा। अरे तेरे फोन का तो नहीं पता, लेकिन तेरे भाव जरूर बढ़ गए हैं। अरे छोड़ो ना यार ये सब, तुम लोगों ने वो जीप का सेकंड वर्जन डाउनलोड किया?
करो डाउनलोड, मैं चैलेंज करता हूँ मार्केट में, है कोई मेरा चैलेंज एक्सेप्ट करने वाला? मैं हूँ ना, चल चल कर आ, चलो फिर आ, तू भी कर, तू भी कर, चल चल, नया मोबाइल कुछ तो फायदा होगा। भाई रुको, मेरे पीछे है। हेलमेट पड़ा हुआ, हेलमेट उठाओ ना। अरे भाई कैसे मारूं उसको पीछे? शुभम क्या कर रहा है? हाथ घर पे सब इंतजार कर रहे तुम्हारा, यहाँ पे भैया सबके सामने मुझे मारना बंद करो। अब मैं छोटा नहीं रहा, बड़ा हो गया। इतना बड़ा हो गया तुम्हें बताता हूँ, चल घर। आज के बाद से तुम लोग इतने दूर रहोगे। गुड मॉर्निंग बेटा। लो विजय, नाश्ता कर लो। तो विजय कहाँ जाने की तैयारी है आज? पापा एक नौकरी के सिलसिले में इंटरव्यू के लिए जाना है। बढ़िया बढ़िया, तुम्हारे दोस्त तुम्हें कहीं भी बुला लेते। अरे प्रभा, नौकरी मिलना इतना आसान नहीं है, बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। अच्छा कोशिश कर रहा है ना? माँ मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, शायद आज नौकरी मिल जाए। मिलेगा मिलेगा। ठीक है मैं, मैं चलता हूँ। अरे पूरा खत्म तो कर ले। नहीं मैं भूख नहीं है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, इतनी जल्दी भी क्या है? पापा वो जल्दी जाना है ना। अच्छा ये रख लो, काम आ जाएंगे। पापा आखिर आपने शुभम को मोबाइल दिला ही दिया ना। विजय तुम चुप रहो, आजकल सब बच्चे के पास ना मोबाइल होता ही है। उसने भी जिद की, हमने दे दी। और तुम्हें भी तो दिलाया था, तब तो किसी ने नहीं पूछा था। माँ वो पढ़ाई में पहले से बहुत कमजोर है, अब आगे देखना। सुना है मोबाइल से बच्चों को कई सारी जानकारियां हासिल होती हैं। और गलत गलत लोगों से गलत गलत बातें। विजय अगर ऐसा कुछ हुआ ना तो उसका मोबाइल मैं छीन लूंगा। अच्छा मैं निकलता हूँ, लेट हो रहा हूँ। सावधानी बरतना। जी पापा। ऑल द बेस्ट। अब अचानक से पीछे से आकर डराओगी तो कोई भी घबरा ही जाएगा ना। तू बकवास बंद करो, चल के खाना खा ले। ओफो, तुम जाओ मैं आता हूँ। शुभम चल चल चल, भाग भाग भाग। यस यस। ओह शिट। अरे मेरी गोलियां खत्म हो गई है यार। क्या गोलियां मेरे बात कर रहा है? जल, 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 जल्दी डाल, पीछे से जा। चल चल चल, पिकिया पिकिया पिकिया। गेम खेल रहे हो? खेलो खेलो खेलो, जा जा जा, मारो रे उसको। क्या बच्चे जैसे दिन भर गेम खेलते रहते हो भाई। मार्केट में एक नया ऐप आया, डाउनलोड करो, वीडियो कॉल जिससे चाहो उससे बात करो। ये कोई बच्चों का गेम नहीं है, बैटल ग्राउंड है। अच्छे अच्छों की हवा निकल जाती है। बेटे कत्ले आम होता है यहाँ? कत्ले आम होता है? अरे मेरे बच्चों के शक्तिमान। बेटा जिस बैटल गेम की मैं बात कर रहा हूँ ना, वहाँ बड़े बड़ों की हवा निकल जाती है। देखेगा? रुक दिखाता हूँ। हेलो प्रिया, हाउ आर यू? आई एम फाइन, तुम बताओ क्या कर रहे हो? मैं अच्छा हूँ, तुम कैसी हो? मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। और तुमने वैसे वो कौन है? वो तुम्हारे दोस्त। हाय। कैसा लग रहा हूँ? अच्छा लग रहा हूँ ना? तुम्हारे दोस्तों में तुम ही सबसे अच्छे दिखते हो। अरे अरे ये क्या हो गया? अरे यार क्या हुआ? ये बंद कैसे हो गया?
कि यार बैलेंस खत्म हो गया यार इसका। भाई ये क्या चीज है यार, हमें भी तो बता। मार्केट में एक नया ऐप आया है, डाउनलोड करो, अपनी पसंद की लड़की से बात करो, मस्त फुल वीडियो कॉल, मस्त मजा यार। ए, नाम तो दे, नाम तो दे, नाम तो दे। ए, खाली डाउनलोड करने से कुछ नहीं होगा, क्रेडिट कार्ड से ना बैलेंस डालना पड़ता, तुम फकीरों के लिए नहीं है। तुम लोग गेम खेलो ना, खेल रहे तेरा गेम, खेलो 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 गेम खेलो। बताना कैसे करना है। ए, चल तेरे को बताता हूँ, रुक जा। देख ये जो है ना, यहाँ पे ये जो ब्लॉक बना हुआ है ना, क्रेडिट कार्ड है ना, शुभम बाप हूं बाप तेरा, ये नाटक करना ना बंद कर, मुझसे ना तू बच नहीं पाएगा, समझ में आया। इस बार अगर एग्जाम्स में ना कम मार्क्स आए ना, मोबाइल तो गया तेरा, और ऊपर से इतना कूटूंगा ना, याद रखने वाला है तू। जितने ये लफंदर दोस्त है ना, इनसे दूर रह, ये गांठ बांध ले अपने दिमाग में, समझ में आया। तेरे भलाई इसी में है। बापे की अभिशाप समझ नहीं आता। कैसी हो तुम? अच्छा तुम मुझसे दोस्ती करोगे? दिस शिट बंद कैसे हो गया? अरे यार ये बंद हो गया। अबे रिचार्ज खत्म हो गया होगा, तो एक काम कर रिचार्ज कर ले। अरे बट उसके लिए तो क्रेडिट कार्ड लगेगा ना। तो तेरे बाप के पास होगा ना कार्ड? मरवा लेता था। अबे फट्टू है तू, कुछ नहीं होगा, तू बस कार्ड की पिक निकाल ले, बाकी मैं सब संभाल लूंगा। अब निकल, तेरी आइटम ज्यादा देर वेट नहीं करेगी तेरा। लल्ला? हाँ? क्या ढूंढ रहे हो? अरे मेरा पेन खो गया था, पापा के पास एक्स्ट्रा पेन रहता है ना,
दे दो, मुझे मिलने रहा। सुन, देख, तुझे जो भी चाहिए ना सब मिल जाएगा, ठीक है? पर कोई गलत रास्ता मत अपनाना, ठीक है? यार, अरे रुक जा, हलवा नहीं है कि खाते ही पेट पे चला जाए। तो चार अटेम्प्ट मिलता है, जल्दी। उसमें भी अगर फेल हो गया ना तो बेटा आईडी ब्लॉक हो जाएगी तुम्हारी। अरे पासवर्ड तो डाल, अभी इतना देर क्यों कर रहा है यार? अरे रुक जाओ ना, तुम लोग ऐसे हड़बड़ी करोगे तो घंटा नहीं होगा। अच्छी मछली हो जाएगी, हो जाएगी। रुक जा, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। हो गया। भाई तू तो जीनियस है यार। हेलो, मेरा नाम जूली है। तुम्हारा नाम क्या है? शुभम कहते हैं मैं। कहाँ रहती हो तुम? अच्छा नाम है। मैंने पूछा कहाँ रहती हो तुम? आराम से, आराम से। इतनी भी जल्दी क्या है, सब पता चल जाएगा। तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? नहीं, मैं अकेली हूँ, मेरा कोई नहीं है दुनिया में। अरे ऐसा क्यों कहती हो, मैं हूँ ना। अरे वाह, सही है यार। अरे क्या बात है। सुनो सुनो, मैं तुम्हें घर जाके आराम से बात करता हूँ। ओके ठीक है, ओके बाय। निकल गया। कोई बात नहीं बेटा, रितेश बाबा के राज में ना ऐश करो, जाओ। माँ, अरे मुझे एग्जाम की तैयारी करनी है, प्लीज डिस्टर्ब मत करना। अरे लल्ला खाना तो खा ले। नहीं माँ, मुझे भूख नहीं है, मैं दोस्तों के साथ बाहर खा लिया था। दाल में कुछ काला लग रहा है। माँ मुझे काली दाल खानी है। मुझे काली दाल खानी है, मैं खिलाती हूँ तुझे, पहले पढ़ाई कर। ओके। मेरी हैड अ लिटिल लैम। क्या था? मेरी हैड अ लिटिल लैम। काम बाकी है, अभी भी खत्म ही नहीं हुआ है। ये सब हो रहा है मेरे पीठ पीछे। क्यों परेशान हो? मैसेज किसका आया? बैंक का मैसेज आया, विड्रॉल का। क्या किसी अडल्ट साइट से। क्या बात कर रहे हो? कुछ भी, बड़े अनजान बन रहे हो तुम अभी, बताओ। अरे रुको। मुझे जिसको जो कहना करो। क्या कर रहे हो अभी? बैंक में फोन कर रहा हूँ। मैं कम पड़ गई थी आपको? कोई नहीं कम पड़ा था, रुको। किससे, क्या कर रहे हो? अरे बैंक में फोन करता हूँ, रुको। क्यों? अरे ट्रांजैक्शन हुआ, पता तो लगाने दो, कहाँ से ट्रांजैक्शन हुआ है? तुमने किया है ट्रांजैक्शन। अरे मैं क्यों करूंगा? फिर कौन करेगा? तभी पता चल जाएगा। तुम्हारे फोन पे। दो मिनट रुको, शांति बना कर रखो, दो मिनट। किसको फोन लगा? दो मिनट शांति रखो। हेलो हेलो जी, मैं प्रदीप शर्मा बोल रहा हूँ। अभी मेरे मोबाइल में एक मैसेज आया है जी, एक ट्रांजैक्शन हुआ है जी। मेरे जी मेरे बैंक अकाउंट नंबर, हाँ मैं बताता हूँ। 2446778299 3652। तुमने किया ये मुझे पता है जी। अच्छा जी, नंबर बताएं। बस यही रह गया था। 9865432423 जी। शुक्रिया, आप ही का नंबर होगा ये। थैंक यू, मुझे पता है। एक सेकेंड, अभी डायल कर रहा हूँ, पता चल जाएगा किसका नंबर था। किस लिए लिया दूसरा नंबर आपने? कुछ भी शक करने की आदत नहीं गई तुम्हारी, जिंदगी भर यही करते रहो।
कौन है ये? किसका नंबर है? देख रहे हो किसका नंबर है? कल तुम लाल ड्रेस में बहुत अच्छी लग रही थी, अब हम जब भी मिलेंगे ना तुम लाल ड्रेस ही पहनना। तुमने और अपने बारे में कुछ तो बताया नहीं, और बताओ ना अपने बारे में। बारे में मैं बताता हूँ, बताता। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ क्या हुआ शुभम, तेरा मुंह क्यों लटका हुआ यार? तेरे चाल क्यों बदल गए? क्या हुआ तुझे भाई? लगता है कल वाली लड़की के भाई ने इसे खूब धुनाई की है। बकवास बंद कर यार, दिमाग जल रहा है मेरा। घर पे पता चल गया क्रेडिट कार्ड वाला झोल, फोन भी छीन लिया मेरा। क्या लड़कियों की तरह रोता रहता है? Come on bro, be a man, मर्द कब बनेगा? उससे क्या होगा? यार भैया 5 मिनट के लिए अपना फोन देना प्लीज, एक गेम करके वापस दे दूंगा प्लीज यार। रिश्तेदार आया यार, मुझे जाना होगा यार। भैया बस एक गेम। नहीं यार, नहीं दे सकता यार। आप सुन तो यार, देना अब तो फोन देना, दे 2 मिनट में वापस करूंगा, एक ही गेम खेलूंगा यार। रात में भाई को काम है यार, एक गेम प्लीज 2 मिनट में वापस दूंगा प्लीज ना यार। यार नहीं दे सकता यार, वो भाई का काम है। दोस्त नहीं है ये, दोस्त है साले, एक फोन के लिए इतना तरसा रहे। ये तो बोलता हूँ मर्द बन, मर्द तब अपने पैरों पे खड़ा होगा, बच्चों जैसा रोता रहता है जब देखो तब। अबे तो बता ना क्या करूं मैं? ये सही सवाल किया ना, सुन इस घर से ना रोज एक आदमी बैंक जाता है कैश लेके, ठीक है उसका टाइम हो गया आता ही होगा, तू बस यहाँ छुप के देखना। ये असली कमाल, बकरे को ना ज्यादा टाइम नहीं देना कभी भी, बकरा दिखे नहीं कि तुरंत हलाल करो और निकलो वहां से। और सुन सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर कभी धोखे से पकड़े गए ना तो तू कौन मैं कौन हम एक दूसरे को नहीं जानते, ठीक है? ये पकड़ तेरा है, जाओ बुलबुल से बात करो। भाई आज के लिए अपना फोन देना। अबे कितना हाथ फैलाएगा, भीख मांगने से नहीं मिलती ये चीजें, मेहनत करनी पड़ती है। देख मेहनत कर सब मिले, अभी तक किया तो मिला ना, ऐसे ही मोबाइल भी मिलेगा। अरे काम कर, जो भी हुआ किसी को मत बोलना, ठीक है? चल मैं निकलता हूँ, मैं तुझे फोन करूंगा ठीक है, या मैं मिलने आऊंगा यार, तेरे पास तो फोन ही नहीं। अरे पर मोबाइल घास से लाओ मोबाइल। आपको यहाँ आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं, हम ऑटो मिल गया था। हाँ, हाँ, शुभम देखो तुम्हारे कानपुर से चाचा चाची आए हैं।
हाँ तो मैं क्या करूँ? शुभम ऐसा नहीं कहते मेहमानों के सामने, प्रणाम करो, अपना ज्ञान अपने पास रखो, मुझे माफ करो, फॉर्मेलिटी निभाने का ना टाइम है और ना ही मूड। अरे शुभम ये आजकल के बच्चे ना, भगवान बचा है ने, आप लीजिए ना चाय पीजिए। जी जी। और बस बाकी सब ठीक घर? हाँ सब बढ़िया मैडम। दोस्ती और कल मोबाइल चोरी हो गया। जब चीज पुरानी हो जाती है तो नई चीज भी तो आ जाती है। अच्छा तुमको कोई न्यू दोस्त मिलेगी तो तुम मुझे भी भूल जाओगे। चीज में और इंसान में फर्क होता है, और तुमको तो पहली मुलाकात में ही। अच्छा बोलो बोलो, पहली मुलाकात में क्या हुआ? जैसे एक रिश्ता सा बन गया तुम्हारे साथ। सच में मुझे भी ऐसा कुछ फील होता है कि मेरा ना तुम्हारे से कोई रिश्ता सा बन गया है। अच्छा तुम्हारे चेहरे पे ये निशान कैसा? वो मैं बाथरूम में फिसल गया था ना तो थोड़ा लग गया। अरे जानू तुम अपने आप को संभाल के रखा करो, तुम मेरी अमानत हो किसी और की नहीं। तुम्हारे मन में कोई ऐसा वैसा ख्याल तो नहीं है? ऐसा वैसा ख्याल? बोलो बोलो। भाई वो देख सोने की चिड़िया, इस चिड़िया को लपेट लिया ना तो कुछ दिन तक कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पागल हो गया क्या? जानता है कौन है वो? शंकर राव की बेटी है, जानता है ना शंकर राव कौन है? पता है पता है, यहाँ का पूर्व MLA है ना। ये कैसी बात कर रहा है, धोखे से उसे पता चल गया ना तो हम दोनों का चीरहरण हो जाएगा। जानता है ना कितना बड़ा गुंडा है वो? पता चलेगा तब ना, तू बस ये सोच कि चेन कहाँ बेचना है। तू देख मैं क्या करता हूँ। दिखा दिखा दिखा, आराम से 4-5 लाख का होगा यार ये। तुझे पता है हमने गलत जगह हाथ मारा, अगर उसके बाप को पता लगा ना हम दोनों को गायब करवा देगा। कुछ नहीं होगा यार। चल छोड़ खैर, लेकिन इस शहर के अंदर नहीं बेच सकते इसको, कहीं बाहर ले जाके बेचना पड़ेगा दोस्त। अबे तू का डोर टू डोर मार्केटिंग में लगा है, मैं इसको ऑनलाइन से करवा दूंगा ना। अरे ओ डिजिटल की औलाद, बाप को मत सिखा क्या करना है क्या नहीं करना। 3-4 दिन सब्र कर, मैं बताता हूँ क्या करना है। अरे 3-4 दिन का टाइम नहीं है मेरे पास, मुझे अब भी चाहिए पैसे। जूली से 2 दिन से बात नहीं हुई है, तू चल मेरे साथ, पैसे तो मुझे अब भी चाहिए। तू चल मेरे साथ, पैसे तो मुझे। अरे रुक जा। अरे क्या बेबी हॉस्पिटल में? अरे किसकी इतनी हिम्मत जो शंकर राव की बेटी का चेन लूट लिया? जाओ ढूंढ के लाओ उसको। मैं सरकारी गवाह बन जाऊंगा सर, जो बोलोगे आप मैं वो करूंगा सर। मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं है सर। मुझे बचा लो सर, बचा लो, जो बोलोगे करूंगा सर। सर सर बचा लो ना सर, नहीं मरना सर मुझे सर। मगर हुआ क्या है प्रदीप जी? ये आपका बच्चा ड्रग्स लेता है। ड्रग्स?